बहुत सारे लोग जब ट्रेनिंग की फील्ड में आना चाह रहे होते हैं ना, तो उनके माइंड में कहीं एक यही चीज होती है, यार ट्रेनर बन जाएंगे, लाइफ सुकून से गुजर जाएगी। छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ, उससे आप लोगों ने एक लेसन एक्सट्रैक्ट करना है। स्टोरी क्या है, मेरे एक जानने वाले थे, उनके तीन बेटे थे, वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे। अच्छा, अब प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हुए उनके पास कोई ढेर सारी इनकम नहीं थी, वो इसलिए घर में ट्यूशन भी पढ़ाते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे तीनों के तीनों बेटे जो है ना, ये पढ़ लिख के बड़ी अच्छी जॉब्स करें और कुछ बड़े मुकाम पे पहुंच जाएं। अब बड़े जो दोनों बेटे थे ना, वो उनका असर कबूल भी करते थे उनकी बातों का, और जनाब बस किताबी कीड़े बन के वो पढ़ते रहते थे। एक ने MSc कर ली, दूसरे ने MBA कर लिया। अब जो तीसरा उनका बेटा था ना, वो थोड़ा सा अजीब ही टाइप का था, वो थोड़ी सी अपनी मर्जी भी करता था, वो पढ़ता भी था। गर्मियों की छुट्टियां आती थी ना, कभी वो शेफ का कोर्स करने चला गया, फिर अगली गर्मियों की छुट्टियां आई हैं, उसको गाड़ियों के साथ बड़ा लगाव था, बाइक बस भगाता रहता था उसको, उसने सजा सजू के रखना, उसने बाइक का मैकेनिक का जो काम होता है वो भी सीख लिया गर्मियों की छुट्टियों में, दो तीन उसने इस तरह की स्किल्स सीख ली। अब हुआ क्या, थोड़े अरसे के बाद जो टीचर थे उनकी वो डेथ हो गई। अब बेटे जनाब जॉब्स कर रहे हैं, खुदा की करनी के जिस फैक्ट्री में उनके दोनों बेटे जॉब कर रहे थे, बड़े दोनों बेटे, उस फैक्ट्री को किसी वजह से बंद करना पड़ा, वो दोनों जॉबलेस हो गए। अब जो तीसरा बेटा था, वो अपने फादर के जो स्टूडेंट्स थे उनको घर में पढ़ा रहा था और अपना सिलसिला कार चला रहा था। अब होता क्या था, जब सीजन ऑफ होता था ना, जब स्टूडेंट्स कम हो जाते थे, तो वो क्या करता था, उसने एक छोटा सा होटल का भी सेटअप रखा हुआ था, वो होटल जाके चलाना शुरू कर देता था। अब थोड़ा सा अरसा गुजरा तो उसका होटल, चूंकि वो सीजनल होता था, दो तीन महीने के लिए चलता था, वो जनाब उसकी कोई इतनी खास आमदन नहीं आती थी, उसने होटल बंद करके वहां पे मोटरसाइकिल मैकेनिक की शॉप खोल ली, बच्चों को भी पढ़ाता था, मोटरसाइकिल मैकेनिक का भी काम। वो दोनों के दोनों बेटे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबें पढ़ी थी और एक ही जॉब की तरफ, एक ही स्किल की तरफ ध्यान दिया था, वो दोनों जॉबलेस बैठे हुए थे और परेशान थे। दूसरा बेटा जिसने दो तीन स्किल्स हासिल की हुई थी, वो परेशान नहीं था। अगर उसको होटल से पैसे नहीं आते थे तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी मोटरसाइकिल की शॉप खोल लेता है, अगर वहां से पैसे नहीं आ रहे तो वो कहां से जनरेट कर रहा है, ट्यूशन पढ़ा के। सो अपने आप को लाइफ में मल्टी स्किल्ड बनाए। मैसेज ये आप लोगों के लिए, अगर आप मल्टी स्किल्ड हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल टीचर हैं, टीचर के साथ आप एज अ ट्रेनर फील्ड में आ जाते हैं, खुदा ना खास्ता एक सीजन में आपको ट्रेनिंग्स नहीं मिल रही, फिर क्या होगा, आप टीचिंग शुरू कर देना, ठीक है। अगर टीचिंग भी नहीं है तो जिस चीज में किसी में डिग्री की हुई है उसमें काम करना शुरू कर देना, लेकिन अगर हैं ही आप एक चीज जोगे तो फिर क्या होगा, परेशानियां ही होंगी। सो अपने आप को क्या करें, मल्टी स्किल्ड बनाएं, एक से ज्यादा स्किल सीखें। आपने करना क्या है, आपने सिंपल जाके गूगल करना है लाइफ स्किल्स, व्हाट आर द लाइफ स्किल्स, आपको ढेर सारी लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा, ये जो लाइफ स्किल्स हैं, ये आपके लिए टॉपिक्स भी हैं जिसके ऊपर आप ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवा सकते हो, और इसमें से बहुत सारी स्किल्स ऐसी भी होंगी जिनको आप पॉलिश करके उसको अपना अर्निंग सोर्स भी बना सकते हो, जो आपकी फील्ड से भी अलाइन कर रही होंगी। ओके जी, सो दूसरा लेसन क्या है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ ये समझेंगे, एक एक लेटर हम तय करते जा रहे हैं। हमने विजन की बात कर ली, गोल की बात कर ली, हमने प्लानिंग की बात की, अब हम मल्टी स्किलिंग की बात कर रहे हैं। ओके जी,